आज हम बात करेंगे एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, प्लस हाफ डाइजेशन पर भी बात करेंगे। आज देखिए, शॉर्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, आज हम लेंथ वीडियो में बना के आपको बताएंगे कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं, ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि एटॉमिक नंबर हमने कैसे आपको निकाल के दिखाया था, प्लस वो भी बताएंगे हाफ डाइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले प्लीज वीडियो को अगर स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, ये हम मान लेते फर्स्ट पीरियड है, इसको बोलेंगे वेरी शॉर्ट पीरियड, वेरी शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। इसमें कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट। एलिमेंट मतलब तत्व है। कितने एलिमेंट होते हैं? दो एलिमेंट। इसको ई से हम रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ई से। और जो दूसरा और तीसरा जो पीरियड है, इसमें कितने एलिमेंट? इसको बोलेंगे शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड। इसमें जो एलिमेंट होते हैं, एट एट एलिमेंट होते हैं। ई से हम एलिमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए आप भूलिएगा मत। ई जो हम दिखा रहे हैं उसको, ई से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? एलिमेंट को। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने एलिमेंट होते हैं? 18 18। इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, इसको बोलेंगे लॉन्ग पीरियड, 18 18 एलिमेंट। देखिए, जो हम शॉर्ट वीडियो में आपको बताए थे वो हम अपने तरफ से नहीं लाए थे, हम पीरियडिक टेबल से ही उसको बनाए थे, ताकि हेल्प हो जाए एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालने में या फिर याद करने में। सिक्स में होते हैं 36 एलिमेंट, इसको बोलेंगे वेरी लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड। इसमें 36 एलिमेंट होते हैं। 36 कैसे होते हैं? देखिए, 36 होते हैं, इसको हमने ऐड कर लिया है, 18 प्लस 18 ऐड करने के बाद कितना होता है? 36 होता है। तो इसको हमने यहाँ से ऐड करके बताया है 36 एलिमेंट होते हैं। जो सातवां पीरियड होता है वो होता है इनकम्प्लीट होता है। सातवां पीरियड क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है, लेकिन उसमें भी ऐड करके बता रहे हैं। जैसे देखिए, 36 ऐड करेंगे, उसके बाद 32, 36 प्लस 32 हो जाएगा 68 हो जाएगा। ये 32 कहाँ से आया? ये नील्स बोर्स के अकॉर्डिंग हमने लिया है, जो नील्स बोर कॉन्फ़िगरेशन करके बताए थे वहां से हमने इसको ऐड किया है 32 को। अब देखते हैं कि एटॉमिक नंबर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है, देखिए ये सब याद करना है। देखिए, वेरी शॉर्ट पीरियड में कितने एलिमेंट? दो एलिमेंट। दूसरे और तीसरे में एट एट एलिमेंट होते हैं, इसको क्या बोलेंगे? शॉर्ट पीरियड। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने एलिमेंट होते हैं? 18 18। और इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग पीरियड। सिक्स जो होता है उसको वेरी लॉन्ग पीरियड बोलते हैं, उसमें कितने एलिमेंट? 36। और सातवां जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, सातवां पीरियड जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है, इसमें कितना ऐड कर रहे हैं? 68 एलिमेंट। अब हम एटॉमिक नंबर निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए, इसको स्किप मत करिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, तभी आप निकाल पाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो हमने आपको एटम्स एलिमेंट के नेम याद कराए थे शॉर्ट पीरियड में, पी ब्लॉक के एलिमेंट जैसे बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो, बोरान था, उसके नीचे एल्युमिनियम, जर्मेनियम, सॉरी गैलियम था, इंडियम था, ये सब ऐसे याद करने के लिए आपको बताए थे कि आप लोग याद कर लीजिएगा। तो थोड़ा हमको इसको इरेज करना पड़ेगा, इरेज करके हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं। जैसे हमको निकालना एल्युमिनियम का, सबसे पहले देखेंगे किस फैमिली का है। फैमिली तो बोरान फैमिली का है, मैंने बताया था बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो। तो बोरान मतलब बोरान का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5 होता है। तो वहां से ऐड करेंगे कितना? 5 ऐड कर लेंगे। उसके बाद 8, 8 कंपल्सरी रहेगा, 8 को ऐड करेंगे तो 8 पॉइंट कितना होता? 13 होता। एल्युमिनियम का कितना हो गया? 13 हो गया। इसी प्रकार हम देख लेते हैं एकदम लास्ट वाले का, इंडियम का देख लेते हैं, या थैलियम का देख लेते हैं। थैलियम का TH होता है,
सिंबल आपको याद रहेगा तो आपको एलिमेंट का नाम भी याद रहेगा, एटॉमिक नंबर भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था कि आपको कैसे याद करना, लास्ट में मैं आपको लिख के दिखा दूंगा कि आपको कैसे याद करना। थैलियम का हमको निकालना, तो देखिए किस फैमिली का है, बोरान फैमिली का। बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो, टी एच से तौलो, तो टी एच से थैलियम। यहां से कितना हो जाएगा 5, प्लस कितना ऐड करना है 8, 8 हमारा क्या है कंपल्सरी, हमको ऐड करना है कंपल्सरी 8, कितना हो जाएगा 13। फिर इसमें कितना ऐड करना हमको 68, देखेंगे किस पीरियड का ये एलिमेंट है, जिस पीरियड का होगा हमें उतना ऐड करना होगा। हम देखेंगे 7 पीरियड का है तो उसमें कितना ऐड करना है 68 करना है, तो 68 करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 3 हो जाएगा 11, कैरी बचेगा 1, और इसको ऐड करेंगे 6 प्लस 1 7 और कैरी हो जाएगा 8, तो थैलियम का कितना हो गया 81, थैलियम का कितना आ गया 81। इसी प्रकार हम दूसरे एलिमेंट का देख लेते हैं, दूसरे एलिमेंट का देखिए, मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप अपने लिए कर रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, हर एग्जाम में, हर कंपिटेटिव एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। इस टाइप के अगर क्वेश्चन पूछता तो आप तुरंत बता सकते हैं। तो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे हमको निकालना जिनान का, जिनान का मैंने कभी नहीं बताया तो आज मैं बता दे रहा हूँ, जिनान शॉर्ट पीरियड में भी जिनान का नहीं बात किया था मैंने, जिनान का नहीं बताया था तो आज मैं जिनान का बता दे रहा हूँ। तो जिनान का देखिए कितना होता है, पहले देखेंगे किस फैमिली का, तो जिस फैमिली का होगा वहां से उसका नंबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा नियान फैमिली का, तो नियान से कितना हो जाएगा 10, नियान का कितना होता है 10 होता है। अब 8 कंपल्सरी, 8 को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। उसके बाद हमको देखना किस पीरियड का ये जिनान है, तो देखेंगे 6 पीरियड का ये है, तो 6 पीरियड के लिए हमको कितना ऐड करना 36 ऐड कर दीजिए, 8 प्लस 6 कितना होता है 14, 14 के 4 कैरी हो जाएगा 1। अब देखिए इसका 3 प्लस 1 हो गया 4 और इसमें 1 ऐड कर देंगे हो जाएगा 5, जिनान का कितना हो गया 54। इसी प्रकार हम ब्रोमीन का देख लेते हैं, ब्रोमीन का मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया था, आज मैं यहाँ भी बता दे रहा हूँ लेंथी वीडियो में। तो ब्रोमीन का देखेंगे किस फैमिली का, तो फूल कूल बेर आइस एट, मैंने इसको शॉर्ट वीडियो में नहीं बताया था लेकिन मैं आज बता दे रहा हूँ, फूल कूल, फूल से फ्लोरिन, कूल से क्लोरिन, फूल कूल बेर, बेर से ब्रोमीन, आइस, आइस से हो जाएगा आयोडीन, एट से एट ही रहेगा, तो देख लेते हैं फूल कूल बेस आइस एट। तो फ्लोरीन का है तो कितना हो जाएगा, फ्लोरीन से 9 हो जाएगा, प्लस 8 ऐड कर देंगे, 8 कंपलसरी है, कितना हो जाएगा 17। उसके बाद कितना ऐड करना है देखना किस पीरियड का, तो देखेंगे फोर्थ पीरियड का है, सॉरी फिफ्थ पीरियड का, यहाँ से ऐड कर देंगे 18, 8 7 कितना हो जाएगा 15, कैरी बचेगा 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 और ये कैरी 1 हो जाएगा 3, तो इसका कितना हो गया 35 ब्रोमीन का हो गया। अब देख आज मैं लगभग सभी एलिमेंट का आपको बता देता हूँ निकाल के, पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट है ऑलमोस्ट सबका बता दूंगा। अब देख लेते हैं हम आर्सेनिक का, ए एस का देख लेते हैं, तो ये पहले ये आपको देखना किस फैमिली का है, तो नाइट्रोजन फैमिली का आ जाएगा, मैंने बताया था न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या हो जाएगा आर्सेनिक, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, ऑस्ट्रेलिया सभी भिखारी, ऑस्ट्रेलिया से आर्सेनिक, तो न्यूजीलैंड से है तो न्यूजी मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 हो जाएगा कितना 8 7 हो जाएगा 15, 15 में हमको कितना ऐड करना 18, 8 5 13 कैरी 1, 1 1 2 और ये 1 3, इसका कितना हो गया 33। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तो लगभग सभी आप भी निकाल सकते हैं। मैं आपके हेल्प के लिए इस टाइप के वीडियो बना लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो याद करने में। मुझे ज़्यादातर बच्चों को एलिमेंट्स याद नहीं होते हैं, एलिमेंट्स अगर याद हो जाते हैं मैक्सिमम 30
30 तक सभी लोग तो रटा देते क्लास में, मैक्सिमम 30 एलिमेंट्स के नेम प्लस एटॉमिक नंबर याद करा दिया जाता, लेकिन उसके आगे नहीं। तो मैं ये सोचा कि क्यों ना पूरा एलिमेंट याद किया जाए। तो जो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, लगभग सभी का एटॉमिक नंबर याद हो जाएगा। एलिमेंट याद करने के लिए मैंने बताया कि बैगन, आलू, गाजर, इन्हेतौलो, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी, काशी जी, सुनो भी, फूल कुल, बेर, आइस एट, नियान आर्गन, क्रिप्टान, जिनान, रेडान, लगभग सभी आसान है। केवल आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना आ जाएगा। आगे हम देख लेते हैं आयोडीन का निकाल के, आयोडीन का देख लेते हैं। आयोडीन किस फैमिली का? फ्लोरीन का। यहां से हो जाएगा 9 प्लस कितना ऐड करना 8 हो जाएगा, कितना 17, उसके बाद कितना ऐड करना 36, तो 7 6 13 कैरी बचेगा 1 3 + 1 4 और ये कैरी हो जाएगा 5। आयोडीन का कितना हो गया 53। आसान है, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करिए बस, मैं आपके लिए लाया हूँ इतने अच्छे से ट्रिक्स। ट्रिक्स से ही मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आज मैं लेंथी वीडियो में बता दे रहा हूँ। अब मैं देख लेता हूँ यस ब्लैक एलिमेंट का, इसी बेस पर वो भी है। मैं 2-3 एलिमेंट का निकाल के आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे देखिए हमको जैसे बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4 होता है। उसके नीचे क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम का देख लेते हैं, मैग्नीशियम का कितना होता है 12 होता है। हम देखेंगे किस पीरियड का, तो तीसरे पीरियड का कितना ऐड करना 18 ऐड करना है। तो 4 + 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 12 12। मैग्नीशियम कितना हो गया 12। अब देखिए उसके नीचे क्या है? कैल्शियम है। कैल्शियम देखेंगे किस पीरियड का, वो 4th है, लेकिन हमको ऐड करना कितना 8 ही करना है। उसके नीचे 8 ऐड करते जाइए, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, 8 + 2 10 कैरी बचेगा 1 1 1 2। कैल्शियम भी कितना हो गया 20। आप इसी प्रकार स्ट्रोटियम का भी निकाल सकते हैं और रेडियम का भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं कि हमें याद कैसे करना है एलिमेंट का नाम। ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में और याद करने में। चलिए आप आगे देखते हैं। मैं आपको याद करा देता हूं एलिमेंट, पी ब्लॉक के एलिमेंट का नाम प्लस एस ब्लॉक के भी दिखा दूंगा। पहले एस ब्लॉक का देख लेते हैं, यहां लिख देता हूं एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक पहले क्या? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम। देखिए ऐसे मैं बोल रहा हूं, ली ना के रब सीस फायर, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम। उसके नीचे देख लेते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोटियम, बेरियम एंड रेडियम। ये हो गए एस ब्लॉक के। हमें याद कैसे करना है? तो याद करने के लिए देखिए मैं बता देता हूं, यहां हो जाएगा ली, ये इसको छोड़ दीजिए, तो हाइड्रोजन ऑलमोस्ट सबको याद होता है, ली ना के रब सीस फायर। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, ली ना के रब सीज फायर, या ली ना का रब से फरियाद, इस तरीके से भी आप याद कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, हम जैसे हमको याद करना बेटी मांगे कार
स्कूटर, बाप, राजी। ये कितना आसान तरीका, आप केवल सिंबल याद करिए, आप केवल सिंबल याद करिए। मैं आपके लिए बहुत आसान ट्रिक लेकर आया, आज मैं लेंथी वीडियो में बता दे रहा हूँ, ट्रिक्स में भी मैंने बताया था। तो एस वाला के एलिमेंट है, कितने एलिमेंट होते हैं? 13 एलिमेंट होते हैं, आराम से याद हो गया। ली ना के रब सीज फायर, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम फेरेसियम, आसान से याद हो जाएगा। इसका एटॉमिक नंबर होता 1, इसका होता 3, इसका होता 11, इसका होता 19, इसका होता 37, इसका होता है 55, इसका होता है 87, इसका होता 4, इसका होता 12, इसका होता 20, इसका होता 38, इसका होता है 56, और इसका होता है 88। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, ली ना के रब सीज फायर, बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्टोटियम बेरियम रेडियम। एस ब्लॉक के एलिमेंट याद होंगे, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। अब हम पी ब्लॉक का देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए पी ब्लॉक का देख लेते हैं, पी ब्लॉक का देख लेते हैं। पहले क्या था? बोरान, बैगन, आलू। मैं थोड़ा और इस इधर लिख लेता हूँ ताकि पूरा एलिमेंट आ जाए, नहीं तो आएगा नहीं। बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो। बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो। बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तोलो। उसके बाद क्या था? का सी जी, हिंदी लिख दिया, जी सुनो भी, कैपिटल लेटर होता है BH। यहाँ हो जाएगा का सी जी सुनो भी। एटॉमिक नंबर भी लिखते चल रहा हूँ। देखिए इसका होता है कितना? 5, इसका 13, इसका 31, इसका 49, इसका 81। मुझे बताते बताते सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर भी याद हो गए और प्लस उसका नाम भी याद हो गया। मैं आगे देख लेता हूँ। काशी के बाद आते हैं नाइट्रोजन, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। हिंदी लिख देता हूँ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। भिखारी, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सभी भिखारी। इसका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, 7, 8, 7, 15, इसका 33 बताया था मैंने। पहले इसका देख लेते हैं, 6 हो जाएगा 14, ये 32, ये 50 हो जाएगा, ये 82 हो जाएगा। अब यहाँ अगर ये याद हो गया, इधर लगभग सबका याद हो जाएगा। देखिए मैं यहीं से देख ले रहा हूँ, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, इसके बाद 13, 14, 15, 31, 32, 33, 49, 50, 51 हो जाएगा यहाँ पर, 51, यहाँ 82 है, यहाँ 83 हो जाएगा। इसका निकाल लीजिए, उस लास्ट वाले का निकाल लीजिए, उसके बाद यस ब्लॉक का भी आराम से याद कर सकते हैं, उसका भी।
अब मैं देख लेता हूं किसका, फ्लोरीन का। फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन, नहीं इसके पहले ऑक्सीजन आता है, उससे से टी, उससे से टी पो, उससे से टी पो, उससे टी पो सल्फर। टीपो टीपो उससे से टीपो, यहां पर देखिए हो जाएगा उ से टी पो। चलिए देखिए अब इसको देख लेते हैं हम ऑक्सीजन फैमिली का। तो ऑक्सीजन उस देखिए उ हटाओ, उ से ये नहीं रहता, उस से सॉरी यहां पर ही रहेगा, उस से टी पो। तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन, यस से सल्फर, यस ई से सिलीनियम, टी ई से हो जाएगा टेलुरियम, और पी से हो जाएगा पोलिनियम। एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, आप यहां से देखकर आराम से लिख सकते हैं, केवल आप बोरान बोरान फैमिली का निकाल लीजिए, आराम से उस फैमिली तक चले जाएंगे। आप लास्ट जीरो ग्रुप का एलिमेंट एटॉमिक नंबर देख लीजिए, तो आप यस वाला का निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर सल्फर का 16 हो जाएगा, इसका 34 हो जाएगा, इसका 52 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 84। अब फ्लोरीन का देख लेते हैं, फूल कूल बेर आइस एट, फूल कूल बेर आइस एट, इसका होता 9, इसका 17 मैंने बताया था निकाल के, इसका 35 हो जाएगा। आयोडीन का, आयोडीन का कितना होता है 53 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 85। इसको बोलेंगे फूल, क्लोरीन को बोलेंगे कूल, बी आर से हो जाएगा बेर, आइस हो जाएगा आइस, एट से हो जाएगा एट, फूल कूल बेर आइस एट। उसके आगे वाले फैमिली का देख लेते हैं, उसके ऊपर क्या होता है हीलियम होता है, हीलियम का कितना होता है 2 होता है, इसको छोड़ के हम बाकी किसका, नियॉन का, नियॉन आर्गन क्रिप्टान जेनान एंड रेडान। नियॉन का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, आर्गन का कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 36 54 86 इसके जस्ट बगल आ जाता है यस ब्लॉक के, एलिम यस ब्लॉक के। तो अगर ये याद होगा, जैसे आपको पता होगा जैसे नियान खत्म होता तुरंत सोडियम आ जाता, तो 10 के बाद 11 मतलब सोडियम, जैसे ये खत्म होगा आर्गन तुरंत आ जाएगा पोटेशियम मतलब 19 हो जाएगा, यहाँ पर जैसे ये खत्म होगा 36 तुरंत आ जाएगा उसका क्या नाम है, ठीक है उसके बाद आ जाए 36 के बाद 37 आ जाता है, यहाँ पर 54 तुरंत 55, 86 फ्रेंडशिप का 87 हो जाता है। अब यहीं से पर देखिए जैसे हमको किसका निकालना है, ये इस वाले का निकालना है एटॉमिक नंबर, पहले देखेंगे किस फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का, यहां से कितना हो जाएगा 8, 8 कंपलसरी होगा, 8 को लेंगे, 8 हो जाएगा कितना हो जाएगा 16, निकालना किसका है इसका निकालना है। तो अब देखेंगे किस ग्रुप का है ये, तो ये फोर्थ ग्रुप का, तो यहां से कितना ऐड करना हमको 18, अच्छा 14 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, और यहां पर देखिए 1 1 2 और कैरी हो जाएगा 3, 34 आया कि नहीं आया, सिलीनियम का 34 आ गया। इसी प्रकार हमको टी
टिलेरियम का निकाल के देख लेते हैं, 52 है यहाँ पर, 52 को हम देख लेते हैं। ये देखिए कंपलसरी रहेगा, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली का, तो यहाँ से 8 लेना कंपलसरी है, और वो वाला जो हम हमेशा ऐड जोड़ते हैं वो तो कंपलसरी है ही, तो 8 8 हो जाएगा 16। निकालना किसका, इसका हमको कितना ऐड करना है यहाँ पर, किस फैमिली का, सिक्स सॉरी किस पीरियड का, सिक्स पीरियड का, तो 36 ऐड कर देंगे, 6 6 12 कैरी बचेगा 1, ये हो जाएगा 3 एंड 1 4, ये कैरी हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ गया 52। इसी प्रकार हम किसी और का देख लेते हैं, जैसे हमको निकालना है इसका SB का, किस फैमिली का, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से क्या लेंगे 7, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 प्लस 8 कंपल्सरी, ये हो जाएगा कितना सॉरी ये नहीं हो 8 7 15, किसका निकाला हमको SB का। तो अब देखेंगे किस पीरियड पीरियड का, तो किस पीरियड का, 6 वाले, कितना ऐड करना 36, तो 6 5 11 कैरी बचेगा 1, 3 एंड 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5 कैरी, इसका कितना आ गया 51। आप लोगों को समझ में आ रहा कैसे हमने निकाल के बताया था, इस चार्ट हमने बना दिया कि आप लोगों को याद करने में आसान हो जाए और आप एटॉमिक नंबर भी आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पर बात कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे, देखिए सात ट्रिक बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन में, जब उसको लेंथी वीडियो उसको बताएंगे तो हम आपको लेंथी वीडियो उसमें बता देंगे कि कैसे। यहाँ पर थोड़ा सा केवल बात कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे, जल्द से जल्द कैसे निकालें। जैसे मुझे जहां तक लगता है बी ई सी एल टू सबको याद होता है, बी सी एल थ्री सबको याद होता है, BF3 सबको याद होता है, CCl4 ऑलमोस्ट सबको याद होता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा। कितना होगा उसके बाद हम देख लेते हैं किस एलिमेंट का, जैसे हमको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एटॉमिक हाइब्रिडाइजेशन देखना, तो कैसे, देखिए पहले इसी का हम देख लेते हैं सरल का, जैसे BeCl2 दिया गया, हमको कुछ नहीं देखना, केवल ये देखना है कि उसमें क्या जुड़ा हुआ है, कितने नंबर्स में क्या जुड़े हुए हैं, CCl4, देखिए यहाँ 2Cl2 जुड़ा है, कुछ नहीं करना, बस एक Cl को यहाँ लिखिए, एक Cl को यहाँ लिखिए, कॉलम बना दीजिए, यस हो गया, और यहाँ पर बना दीजिए P, एक इसमें भर दीजिए, एक इसमें भर दीजिए, हो गया SP, बस इसी को ध्यान दीजिए और किसी को नहीं, बस हो गया SP3। यहाँ पर C दिया गया, Cl बनाइए, Cl बनाइए, Cl बनाइए, या बस आप ये इतना लिखिए कि Cl आप लिख दीजिए Cl3, यस लिखिए, P लिखिए P, एक इसमें हो गया, एक इसमें, एक इसमें, हो गया ना Cl3, एक S में चला गया, बचा दो, दो P में आ गए, तो इसका कितना हो गया SP2, ठीक। अब इसी प्रकार BF3 का भी SP2 ही आएगा। अब Cl4 का देख लेते हैं, जैसे Cl4 3 दिया गया, यहाँ पर आप लिख लीजिए Cl4 नंबर लिख दीजिए, जैसे आपको एक एस लिख दीजिए, पी लिख दीजिए, पी पी एक इसमें डाल दीजिए, बचा कितना 3 3 ला के पी में भर दीजिए, तो इसका कितना हो गया SP3 हो गया। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में दे दिया जाता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, जैसे कॉम्प्लेक्स में क्या हो सकता है, के फोर हाँ ये हो जाएगा Fe CN6, ये अब जैसे इस टाइप के कंपाउंड दे दिया और बोला हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो घबराने की कोई बात नहीं, टेंशन करने की कोई बात नहीं, आप वही चीज देखिए 6 है, हाँ बस आप देखिए लिगेंड कैसा है, स्ट्रांग है या बेस है, 6 है 6 लिख लीजिए, यस लिखिए, पी लिखिए, पी लिखिए, पी लिखिए, क्योंकि पता सब में जाएगा, डी लिखिए, डी लिखिए, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, दो इसमें, डी में, क्या हो गया SP3D2 हो गया। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं D2SP3, SP3D2। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, मैं ऐसे ही इजी इजी वीडियो आपको प्रोवाइड करता रहूँगा ताकि जल्द से जल्द आपको ये सब चीज़ें आसानी से समझ आ जाए। मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा हाइब्रिडाइजेशन को लेकर।